नमस्कार श्याम सिंह जी। अरे गुरुजी नमस्कार नमस्कार, क्या बात, आज सुबह सुबह स्कूल की छुट्टी है ना? हाँ हाँ, आज स्कूल की छुट्टी ही है, पर एक जरूरी काम से आज आपके पास आना ही पड़ा। ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा? इलेक्शन कमीशन ने 3 मार्च 2015 को राष्ट्रीय निर्वाचक नामावली शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब इलेक्शन कमीशन ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च कर दिया? ये वोटर लिस्ट को सही करने का कार्यक्रम है। लेकिन इसमें हमें करना क्या होगा? वोटर लिस्ट के डाटा में सभी वोटरों का आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज की जानी है। अन्य विवरण या फिर फोटो साफ नहीं है तो उसे भी ठीक किया जाना है। अब तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके लड़के की तो कुछ दिन पहले ही शादी हुई है ना? और हाँ, आपने अभी तक अपनी बहू का वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिखाया? जी आजकल आ रखा है, अगर आप कहें तो अभी बुलवा देता हूँ। हाँ, बुला दीजिए। बिरजू। जी पिताजी। अरे जरा अपना वोटर कार्ड तो लेके आ। बिरजू, तुम्हारे पास दो दो फोटो पहचान पत्र कैसे? आप तो जानते ही हैं, देहरादून में काम करता हूँ, इसलिए एक वहाँ भी बनवा लिया, एक वहाँ काम आएगा और एक यहाँ। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, पता है। इसके लिए तुम्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आरपी एक्ट 1950 के अनुसार किसी भी नागरिक का एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में नाम दोबार दर्ज नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसे 1 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तुरंत किसी एक जगह की वोटर लिस्ट से अपना नाम कटाओ। जी बिल्कुल। क्या बात, तुमने अभी तक बहू का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं करवाया? जी गुरुजी, अभी तक तो नहीं करवाया। ये लो, इसे भरकर इसके साथ बहू की जन्मतिथि का प्रमाण और पते का प्रमाण, जैसे राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल या फिर तुम्हारे फोटो पहचान पत्र की फोटो कॉपी लगानी होगी। साथ ही बहू की मायके की वोटर लिस्ट से बहू का नाम कटवाना भी पड़ेगा। गुरुजी, मैंने तो शादी के तुरंत बाद अपने मायके की वोटर लिस्ट से अपना नाम पहले ही हटवा लिया था। देखा बिरजू, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारी बहू निकली। अधिक जानकारी के लिए अपने जनपद के जिला निर्वाचन कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1950 पर डायल करें।